हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे और अच्छे होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे और अच्छी अर्निंग भी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया अर्निंग का तरीका लेके आया हूँ, ताकि मुझे पता है आप लोग फैंटेसी में बहुत कुछ या तो वॉन कर रहे होंगे या तो हार रहे होंगे, मोस्टली लोग उसमें हारते ही हैं। तो मैंने ऐसा देखा है, मेरे भी कई मेंबर्स हैं जो कि जिनको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं उसी चीज़ में ही वो अपना पैसा लगाते हैं और फिर हार जाते हैं, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। आपको बास्केटबॉल का नॉलेज नहीं फिर भी आप खेल रहे हो, आपको बेसबॉल का नॉलेज नहीं आप फिर भी खेल रहे हो, सिर्फ क्रिकेट का नॉलेज है, आप उसमें भी टीम बनाते हो, लेकिन उसमें इतना कंपटीशन हो गया है कि आप उसमें जीत ही नहीं सकते हो, और जीत रहे हो तो 10 में से सिर्फ 3 मैच जीत रहे हो। तो क्यों ना हम ऐसे स्पोर्ट्स खेलें और ऐसे बंदे के थ्रू खेलें जिसको उस चीज़ का नॉलेज हो, नॉलेज एज इन जो खेल के बारे में जानता हो, प्लेयर्स के बारे में जानता हो, ग्राउंड स्टैट्स, उसको हर तरीके की नॉलेज हो। तो मैं बेसबॉल कवर करता हूँ मोस्टली, मेरे चैनल का नाम है फैंटेसी एंकर और आप लोग टेलीग्राम में उसे ज्वाइन भी कर सकते हो, लिंक मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कवर करेंगे लीगा प्योर्टो रिको बेसबॉल का मैच, मनाती वर्सेस मायागुवेज, ये दो टीम के बीच में है। ये मैच एक्चुअली कल खेला जाने वाला था, लेकिन बारिश के कारण आज ये रिशेड्यूल्ड हुआ है, जो कि आज ये मैच के, ये दोनों टीम के दो मैचेस होंगे, मतलब ये मैच के बाद एक और मैच होगा जो कि 7 इनिंग का होगा, क्योंकि ये डबल हेडर है। जो कल का मैच है वो आज खेला जा रहा है। तो बात करें दोनों टीम में से, तो मायागुवेज जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम है और मनाती 3rd नंबर पोजीशन में, ये लीग में केवल 4 टीम परफॉर्मेंस कर रही है, और मायागुवेज ने 9 मैचेस प्लेड किए हैं जिसमें 7 विन किया 2 लॉस किया, और मनाती ने 9 मैचेस में सिर्फ 3 जीते और 6 लॉस किया। इसका मतलब अपने को जो टीम बनानी वो मायागुवेज के फेवर में बनानी है। मैच खेला जाएगा आज 19 दिसंबर रात को 10:05 पर स्टार्ट होगा, मोस्टली आज स्टार्ट होगा। मैंने वेदर चेक कर लिया है, तो वेदर का इतना कुछ इसमें प्रॉब्लम है नहीं, मैच स्टार्ट हो ही जाएगा और टीम भी आपको टेलीग्राम चैनल में फाइनल मिल जाएगी। अभी आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बेसबॉल का टीम अगर आपको कोई देता है तो उसको नॉलेज है कि नहीं, या फिर वो परसेंटेज वाइज दे रहा है आपको टीम, आपको ये सब बात का ध्यान रखना है। जो भी मैच में आप लगा रहे हो, या तो किसी का कॉपी तो नहीं कर रहा है, आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, आपको ये बात का ध्यान रखना है। और हमारी बेसबॉल में विनिंग बहुत अच्छी है, और आज से ही नहीं, हम तकरीबन जब से बेसबॉल आया तब से हम विनिंग अच्छी करते जा रहे हैं। हमारे मेंबर्स भी बेसबॉल की वजह से इंक्रीज हुए। आप फीडबैक भी ले सकते हो हमारे चैनल में, उनकी विनिंग भी देख सकते हो हमारे चैनल में। आपको मैं उनकी विनिंग्स बता देता हूँ, जो कि लास्ट बेसबॉल हमने जो कवर किया था उसमें भी, ये देखिए इतनी सारी विनिंग हमने उनको बेसबॉल में कराई है। हम लोग बेसबॉल, हैंडबॉल, मोस्टली फुटबॉल के सब मैचेस, हम लोग क्रिकेट कम करते खेलते, क्रिकेट में उतना ध्यान नहीं रखते। तो ये हमारे मेंबर्स की विनिंग है, मतलब वो भी खुश और हम भी खुश, क्योंकि हमें इस चीज़ का नॉलेज है, तब जाके हम टीम दे रहे हैं। और हमने ये शेड्यूल भी डाला है जो मैं ये यूट्यूब पे कवर कर रहा हूँ ये मैच को, ताकि मैं चाहता हूँ कि मुझसे और पब्लिक जुड़े, मैं उनका अच्छा कर सकूँ। और ये मैच अच्छा है क्योंकि पब्लिक, ये जो मायागुवेज टीम है, जो टीम स्ट्रांग है, वो अभी तक ड्रीम इलेवन के हिसाब से वो एक भी मैच नहीं खेले, उनके प्लेयर के 0.0 आपको शो होंगे, और मोस्टली पब्लिक लेके आएगी मनाती के बैट्समैन को। तो आपको इस चीज़ का एडवांटेज लेना है और ये मैच को खेलना ही है, और जितना हो सके आप मीडियम इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 1000 रुपये पर मैच इन्वेस्ट करते हो तो मैच में 600 रुपीज़ इन्वेस्ट करके एक तरीके से अपना विनिंग कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम बनाते हैं ये मैच की टीम, उसके पहले हम की प्लेयर्स बता देते हैं। मायागुवेज की टीम से हेनरी रामोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, MLB भी खेल चुका है, MLB यानी कि मेजर लीग बेसबॉल है, अमेरिका का होता है, USA बोल सकते हैं आप। तो सबसे बड़ी लीग होती है बेसबॉल में, वो उसमें खेल चुका है। डैनियल ओर्टिज़, ये भी बहुत जाना माना प्लेयर है, और ये आते हैं रिकन से, मतलब पुएर्टो रिको, एक टेरिटरी है USA की, USA में ही हो ये लोग कंसिडर होते हैं, पर
अलग से इनका बेसबॉल चलता है, जैसा हमारे इधर दिल्ली का मतलब मुंबई का क्रिकेट लीग हो गया, ऐसा ये लोग का बेसबॉल लीग अलग अलग स्टेट्स वाइज ये लोग करते हैं। और जो मनाती के हैं उसमें एडविन अरायो, जोनाथन रोड्रिगेस एंड एलेक्स लीडी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर एलेक्स लीडी और माया गिज की तरफ से हेनरी रामोस, ये दोनों प्लेयर पे हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम टीम बना लेते हैं, एक ऐसी डेमो टीम बनेगी, मेन टीम आपको लाइनअप के बाद हमारे चैनल पर पोस्ट करी हुई मिलेगी। और अभी इसमें चार पोजीशंस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है पिचर की। ये पिचर क्या करता है, हर इसमें 9 इनिंग होती है और हर मैच में बुलपेन बोलते हैं, बुलपेन यानी कि जो पिचर स्टार्ट कर रहा है उसके अलावा जो पिचर सब्स्टिट्यूट में नहीं है, सब्स्टिट्यूट में है लेकिन उन पे कोच को भरोसा नहीं है तो वो बुलपेन से एक पिचर को निकालता है। यानी कि जैसे कि आप अभी बीबीएल में देख रहे होंगे कि जैसा उनका पावर अप है, जो प्लेयर को वापस वो लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं जिनके ऊपर उनको ज़्यादा भरोसा रहता है मेन प्लेयर, वैसे ही ये लोग का रहता है। तो पिचर क्या करता है, 9 इनिंग तक हर इनिंग में 3 बैट्समैन को आउट करना रहता है दोनों साइड के, मतलब एक साइड के पिचर ने 3 बैट्समैन को आउट किया तो वो साइड की इनिंग ख़त्म। और ये टीम के ये पिचर ने 3 बैट्समैन को आउट किया तो पूरी एक इनिंग ख़त्म होती है, ऐसा 9 इनिंग तक मैच चलता है। ठीक है, अभी होम रन इसमें एक चीज़ होती है, होम रन मतलब एटलीस्ट इंडिया क्रिकेट का आप 6 समझ लो, लेकिन वो इतना आसान नहीं है मारना जितना आसान आप कभी लाइव मैच बेसबॉल में देखोगे, तो उसके लिए बहुत टेक्निक्स चाहिए। आपको भी लगेगा कि ये तो खाली बैट ही घुमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे टेक्निक्स चाहिए कि जो पिचर होते हैं जो बॉल डालते हैं वो बहुत सोच विचार के बॉल डालते हैं, कभी पाँव के तरफ कभी पेट के तरफ, तो उनकी बॉल को पकड़ना और मारना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए लोगों को प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर कहा जाता है। तो आज जो पिचर स्टार्ट कर रहा है उसके बारे में मेरे को अभी तक कुछ सोर्सेस से पता लगा नहीं, जैसे पता लगेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। ठीक है, ये हेक्टर हर्नांडीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पिचर है, लेकिन इसने स्टार्ट कर चुका है पहले, तो ये आज स्टार्ट नहीं करेगा। मोस्टली अपने को जो पिचर लेना है वो स्ट्रॉन्ग टीम की तरफ से लेना है, कि वाइट टीम आपको दिख रही है माया गुज उसके तरफ से जो भी पिचर स्टार्ट करेगा उसको लेना है, और हम कैप्टन वाइस कैप्टन पे उसको कर सकते हैं, लेकिन करना है कि नहीं उसका अनरन कैपेसिटी है कितना वो मैं आपको देख के वो टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। कैचर की तरफ से जो हम लेंगे वो रॉय मोरालेस लेंगे, एलेक्स लीडी को हम कवर करना है, टीजे रिवेरा। ठीक है, आपको मैंने अरे यो इनका मेन प्लेयर बताया था, और फिर ई रिवेरा इसको लेंगे, और डीमार्स एच रामोस, डीमार्स भी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर माना दिखा, जो कि मैंने आपको उस टाइम पे बताया नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है डीमार्स को किसी भी हालत में ड्रॉप नहीं करना। केली माइग्विच की तरफ से लेंगे, और जो भी पिचर खेल रहा होगा और 5 क्रेडिट करना हो तो क्रेडिट मैनेज करके हम उसको भी कवर कर लेंगे। कल जो पिचर स्टार्ट करने वाला था वो जेक रासिया था, तो ये अपनी टीम बनती है फिलहाल के लिए। तो मैंने आपको जैसे कहा था सब मनाती का कैप्टन लेके आएंगे, क्योंकि वो लोग ने मैच खेल चुके हैं, लेकिन आपको मनाती के नहीं डालने, आपको माया के डालने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हेक्टर हेनरी रामोस, और अगर पिचर का देखना जाए तो हम पिचर जो है माया गिज की तरफ से ही लेंगे, और उसी को वाइस कैप्टन करेंगे अपना। तो हमारी फाइनल टीम स्टार्ट, फाइनल टीम नहीं बोल सकते इसको, एक डेमो टीम है। तो फाइनल टीम के लिए आपको हमारे चैनल फैंटेसी एंकर इसमें जुड़ना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैच बेस्ट होगा ये मेरे तरफ से, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। आप लोग भी हैंडबॉल फुटबॉल क्रिकेट मतलब हम लोग ऑल स्पोर्ट कवर करते हैं, हमारे पास सिर्फ मैं बेसबॉल कवर करता हूँ, क्रिकेट कवर करता हूँ, मेरा और भी एडमिन्स है जो कि हमारे पार्टनर हैं, और वो अलग अलग स्पोर्ट्स की टीम देते थे कि आप कल हमने हैंडबॉल में भी क्लीनशिप किया था, वो भी एक मैच नहीं तो दो मैच हमने क्लीनशिप किया था, 3 मैच कल हुए थे, वुमेन्स इंटरनेशनल चैम्पियनशिप अभी चल रहा है उसके हम मैचेस कवर कर रहे हैं, फुटबॉल में आज भी प्रीमियर लीग के मैचेस है वो भी कवर करने वाले हैं और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम लोग जो टीम देते हैं वो फुल डाटा फुल स्टेट्स वाइज देते हैं, ऐसा नहीं कि परसेंटेज वाइज किसी को भी उठा के दे दिया। तो थैंक यू, हमारे चैनल का नाम ध्यान रखिए, हमारे चैनल का नाम है फैंटेसी एंकर, और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।